I'm invincible. Your powers only make me stronger. So you can't be matched. Can't be controlled. तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। वैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जब इसका एवेंजर्स का लास्ट पार्ट आया था एवेंजर्स एंड गेम, तो इसके बाद से लग रहा है कि इनका भी एंड गेम होता नजर आ रहा है। आई डोंट नो कि इनके पास कंटेंट इतने सुपर तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके पास कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन ये तो है कि जब एंड गेम आई है उसके बाद से थोड़ा सा बज कम हो चुका है। ऑल वर्ल्ड का नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में उतना खैर बज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग बार बार ट्राई कर रहे हैं और अच्छा खासा ट्राई भी कर रहे हैं। इनकी मूवीज आ रही हैं, अच्छा खासा कमा भी रही हैं और अच्छा खासा नाम भी कमा रही हैं। लाइक लोकी सीजन 2 आई, इतना ज़्यादा बस देखने को नहीं मिला, लेकिन बाप लेवल की वेब सीरीज है ये। बाय गॉड, जो एवेंजर्स फ्रेंचाइजी एंड सिक्वल में नहीं देखने को मिलेगा वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद थॉर लव एंड थंडर आई, थॉर की जो मोस्ट लवेबल फ्रेंचाइजी थी उसका लास्ट सिक्वल अभी के लिए। देन उसका आंटमैन का लास्ट सिक्वल अभी के लिए आई, आंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया आई और गई। उसके बाद हमने क्या कहते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लास्ट सिक्वल देखा अभी तक के लिए, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का, वो आया और गया। तो उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है बज अभी। अभी मार्वल्स वालों ने एक और ट्राई मारे हैं, कैप्टन मार्वल का सेकेंड पार्ट, लास्ट सिक्वल। 4 साल पहले कैप्टन मार्वल आई थी, जहाँ पर हमें दिखाया गया था कि भाई साहब सी इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड सुपर सुपर पावरफुल सुपर हीरो, और वो चीज़ हमने देखी भी थी भाई। और एवेंजर्स एंड गेम में वो इकलौती एक सुपर हीरो है जिसने क्या कहते हैं थैनोस को टक्कर दिया था। वो भी कब टक्कर दिया था, जब उसके पास 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन भाई सेकंड पार्ट इसका आ रहा है, टीजर ट्रेलर सब कुछ ऑसम है। 10 तारीख को ये मूवी रिलीज होना हो जानी है। सेकंड पार्ट है, द मार्वल्स, और भाई सॉलिड होने वाली, क्योंकि ट्रेलर बहुत फाड़ू है। आज अभी लास्ट ट्रेलर इन्होंने निकाला है और 3 दिन बाद मूवी आपको 10 नवंबर 2023 को मिल जानी है। तो मूवी पूरी सुपर बेस है। अगर सोसाइटी के हिसाब से बात करें तो वुमेन्स पावर पर, गर्ल्स पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। एक तो आपको सुपर हीरो भी वुमेन्स ही मिलने वाली हैं, देन आपको इसमें जो विलेन है वो भी वुमेन ही मिलने वाली है। तो वुमेन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रखा है, और मार्वल की हमने बहुत सी आगे की पार्ट में भी देखा है और आगे के वेब सीरीज और मूवीज़ में भी देखा है कि इक्वली बैलेंस करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि आप मैन हैं तो आपके पास ज़्यादा पावर है, आप वुमेन हैं तो आपको कम पावर है। दोनों को इक्वली अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखा। दूसरा, मार्वल वालों का अलग ही है यार, इनको मतलब हम सोचते हैं ना कि ये इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना हम सोच नहीं पाते ना, वहाँ से इनका क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम सोचते हैं कि भाई हम सोच रहे थे थैनोस से बढ़कर और क्या हो सकता है, कैंग द कॉन्करर इन्होंने निकाल दिया। भाई आंटमैन में आप देखना कैंग द कॉन्करर कैसी फाड़ के रखता है, थैनोस तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। उसके बाद लोकी में हमने देखा कि इन्फिनिटी स्टोन्स के दम पर जो थैनोस सबका बाप बना बैठा था, उन स्टोन्स की कैसी धज्जियाँ उड़ाई गई है उसमें। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, ये उससे बेहतर निकाल देते हैं। जब हम सोचते रह जाते हैं ये उससे बेहतर निकाल देते हैं। मार्वल्स में जो विलेन आने वाली है वो भाई इससे भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि कैप्टन मार्वल अभी तक की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो जिन्हें दिखाया जा रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाते नजर आ रही है ट्रेलर में। तो मार्वल वालों का अलग ही है, बहुत ही खतरनाक है। दूसरा, ये यहाँ से 2 सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस भी करने वाले हैं इस बार। पहला कैप्टन मार्वल तो हमारी है ही है, जिनके ऊपर पूरी मूवी बनाई गई थी, कैसे इनका जनरेशन होता है, कैसे ये बनी थी, वो रेडिएशन वगैरह का सब चक्कर था, वो आप फर्स्ट पार्ट में देख लेना। देन इसके पास 2 सुपर हीरो और आने वाली हैं, एक इमान वेलानी जिन्हें मिस मार्वल के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा लसाना लिंच जिन्हें मारिया रैम्बियो के नाम से जाना जाएगा। भाई ये 2 सुपर हीरो और आने वाली हैं, और लाइट का ही है, सेम सिमिलैरिटी नहीं कहूँगा बट सेम कैप्टन मार्वल से मिलती जुलती इनके पास भी पावर है, और यहाँ पर ये दोनों सुपर हीरो मार्वल इंट्रोड्यूस करना चाहता है। वही चीज़ कि निक फ्यूरी को भी दिखाया जा रहा है, जैसे एवेंजर्स को असेंबल किया गया था, एवेंजर्स एक सीरीज़ बनाई गई थी, वही चीज़ मुझे लग रहा है फिर से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नए नए हीरो को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। हमने एंटमैन में भी देखा, हमने लोकी में भी देखा, तो यहाँ से बहुत कुछ आने वाला है। निक फ्यूरी को अच्छा खासा फिर से दिखाया जा रहा है, तो निक फ्यूरी वही काम करेंगे दोबारा से असेंबल करने का, और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मैं वही कहूँगा यार फैन से कि भाई मार्वल से इतने जल्दी आप लोग भरोसा ना टूटने दें अपना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कुछ लाएंगे और ज़बरदस्त भी लेके आने वाले हैं। एवेंजर्स कुछ नहीं है इनके सामने, इनके पास जितना कंटेंट है उसका मैं कह रहा हूँ 1/4 पार्ट भी इन लोगों ने अभी तक रिवील नहीं किया है। बहुत कुछ है कॉमिक्स में, अगर कोई कॉमिक पढ़ने का शौकीन है तो भाई आपको सब कुछ मालूम होगा कि आगे और क्या होने वाला है। देखो यहाँ से जो धार बैन,
जॉय एस्टन जिन्हें पावरफुल विलन दिखाया जा रहा है, इनका करेक्टर होने वाला है डार्बैन का। यहाँ पर ये बहुत ही पावरफुल दिखाई जा रही जो कैप्टन मार्वल तक की धज्जियाँ उड़ाने में सफल रह रही हैं। तो इनका क्या जनरेशन है, ये कैसे बनी है, तो इन चीज़ को भी ना कॉमिक्स में अच्छी तरीके से बताया गया है। लेकिन फिलहाल इस चीज़ का पता हमें मूवी से ही पता लगने वाला है। खैर मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, दैट्स वाई कि मुझे पता नहीं कि इनका जनरेशन कहाँ से हुआ है, इनको जनरेट कहाँ से करा गया है। दूसरा, जॉय एस्टन एज डार्बैन। पहले तो मैं बताऊँ कि जॉय एस्टन एक बार के लिए मुझे एमिलिया क्लार्क लगी जब उनका फर्स्ट सीन मुझे देखने को मिला। बाई गॉड, एमिलिया क्लार्क आप अगर जानते हैं इन्हें, तो खलीसी गेम ऑफ थ्रोन्स की मेन लीड एक्ट्रेस, तो भाई ये ना सबकी फाड़ने वाली है क्योंकि इसके पास पावर कौन सी है, ये पावर क्या कहते हैं, दूसरों की एब्जॉर्ब करके उसे रिटालिएट कर रही है। लाइक हमने ये वाले सीन में अगर मैं बताऊं तो मारिया रैम्बो की पावर ये खुद एब्जॉर्ब कर रही है, देन उसी को रिटालिएट करके बीट कर रही है। सेकेंड सीन अगर आपको ये बताऊं तो कैप्टन मार्वल की पावर को भी इसने एब्जॉर्ब किया, देन उसको एट द मोमेंट रिटालिएट करके बीट कर दिया है। तो ये ना फाड़ने वाली है, उस कैप्टन मार्वल की धज्जिया उड़ाने वाली है जिसने थैनोस को एक बार के लिए टैकल किया था। वो थैनोस जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे, तब उसको आयरन मैन ने, कैप्टन अमेरिका ने एंड हमारे थॉर ने, तीनों ने मिलकर झेला था। टक्कर नहीं दी बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि झेला था। देन उसके बाद जब उस पर इन्फिनिटी स्टोन्स आए थे तब कैप्टन मार्वल ने उसको टैकल किया था और मजबूरन थैनोस को एक इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करना पड़ा। आई थिंक कौन सा स्टोन्स था, रियलिटी स्टोन हो ही होगा शायद, उसको यूज करना पड़ा, तब जाके वो कैप्टन मार्वल से पीछा छुड़ा पाया था। तो भाई अगर थैनोस के पास वो इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं होते तो अकेली सुपर हीरो कैप्टन मार्वल ही काफ़ी थी उसको खदेड़ने के लिए, लेकिन वो सब अलग बात है। तो उस सुपर हीरो की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, खैर ट्रेलर में तो यही देखने को मिल रहा है। तो ये जो तीनों, दो सुपर हीरो और आने वाली हैं और कैप्टन मार्वल, तीनों मिलके कैसे इस डार्बैन को, जो जॉय एस्टन है इनका जो करेक्टर रोल प्ले कर रही है सुपर हीरो का डार्बैन, तो ये इसकी धज्जियाँ कैसे उड़ाती हैं वो सब देखने में मजा आएगा। तो भाई ट्रेलर तो बहुत दमदार है, एज यूजुअल मूवी भी दमदार होगी ही। खैर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।